ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में एक दिवसीय एनएसएस शिविर का हुआ आयोजन। ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में वीरवार को एनएसएस इकाई की ओर से एक दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर रिंकू शर्मा की देखरेख में आयोजित किए गए शिविर में महाविद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। शिविर में 105 स्वयंसेवकों ने भाग लेकर कॉलेज में सफाई की। इस अवसर पर एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर रिंकू शर्मा ने स्वयंसेवकों को स्वच्छता अपनाने तथा बनाए रखने की अपील की। विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की सलाह दी तथा विद्यालय व अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की सलाह भी छात्रों को दी। जेमआईटी में आयोजित मुकुंद ईडी मेले में विभिन्न स्टॉल लगाकर छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। जेमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में वीरवार को ईडी सेल एवं प्रबंधन विभाग की ओर से मुकुंद ईडी मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस के गर्ग, एमएलएन कॉलेज रादौर के प्रिंसिपल दीपक कौशिक एवं प्रबंधन समिति के सदस्य पंडित ज्ञान प्रकाश शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विभिन्न कलात्मक प्रस्तुति, गेम्स, खान पान आदि के स्टॉल लगाकर अपने कौशल का परिचय दिया। इस अवसर पर मेले की मुख्य आयोजनकर्ता प्रबंधन विभाग की अध्यक्षा अनुजा गोयल ने कहा कि आज के प्रतियोगी युग में छात्रों को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपने कौशल के आधार पर ही समाज में रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तरह के आयोजन हम वार्षिक कराते हैं ताकि बच्चों में उत्साह रहे और वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट। मंदार के सरकारी स्कूल में आयोजित 5 दिवसीय लाइफ स्किल डेवलपमेंट शिविर संपन्न। राजकीय उच्च विद्यालय मंदार में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के तत्वाधान में चल रहा 5 दिवसीय लाइफ स्किल डेवलपमेंट शिविर का वीरवार को समापन हो गया, जिसमें कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर में एएनएम राजरानी ने विद्यार्थियों को पीलिया, हैजा, पैचिस, टिटनेस, हैंडवाश, एलर्जी की बीमारियों व कोविड-19 महामारी से बचने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट के अध्यापक बलदेव कुमार ने विद्यार्थियों को घर पर बेकार पड़ी वस्तुओं से तस्वीरें व मॉडल बनाने की अनेक विधियां सिखाई। शिविर के इंचार्ज अजय कटारिया व राकेश पंचाल ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन कौशल की विधियां सिखाना था, ताकि विद्यार्थी भविष्य में अपने पांव पर खड़े हो सके। ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में 19 फरवरी को होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में शनिवार 19 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि रक्तदान महादान है, कोई भी 18 वर्ष से अधिक का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की मदद की जा सकती है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर दूसरों के अमूल्य जीवन को बचाने में अपना योगदान दें।